19 अक्टूबर सन 2017 एस्ट्रोनमर पैनस्टार्स टेलीस्कोप से अंतरिक्ष का निरीक्षण कर रहे थे कि अचानक उन्हें आसमान में एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है जो बड़ी तेजी से अपनी जगह बदल रही थी। ये देखकर वो सभी चौंक जाते हैं क्योंकि या तो ये कोई एस्टेरॉयड हो सकता है या फिर कोई कॉमेट, क्योंकि ये जो भी था वो आकार में काफी छोटा था। पहले तो वैज्ञानिक इसे एक एस्टेरॉयड समझ रहे थे, लेकिन फिर उन्हें इस चीज के बारे में एक ऐसी जानकारी मिली जिसके बाद उसे एक कॉमेट कहा जाने लगा। लेकिन जब वैज्ञानिक इस ऑब्जेक्ट के डेटा को स्टडी कर रहे थे तो चीजें धीरे धीरे हाथ से निकलने लगी। उन्हें पता चला कि ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो एस्टेरॉयड या कॉमेट कुछ भी हो सकती है। हालांकि ये हमारे द्वारा देखी गई और स्टडी की गई पहली इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जिसने हमारे सोलर सिस्टम को इतना करीब से इंटरसेप्ट किया है। लेकिन इस कंक्लूजन ने वैज्ञानिकों की चिंता और बढ़ा दी थी, क्योंकि ये चीज जो भी थी वो एक तो पहले ही सूरज को क्रॉस कर चुकी थी और हम उसे सही समय पर नहीं देख पाए थे, और जब हमने उसे जाते हुए देखा तो उसकी स्पीड 87 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। क्लियरली वो हमारे सोलर सिस्टम से तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। हवाइन आइलैंड पर इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को खोजा गया तो इसे नाम भी हवाइन ही दिया गया, अमुआमुआ, यानी कि एक मैसेंजर जो पहली बार आया है। तो क्या है अमुआमुआ का असली सच जो आपको चौंका देगा? क्या वाकई ये कोई एलियन स्पेसशिप है या इसे किसी एलियन सभ्यता ने भेजा है? कहां से आई है ये ऑब्जेक्ट, जानेंगे आज की इस वीडियो में। सन 2017 में जैसे ही अमुआमुआ हमें दिखाई दिया, वैज्ञानिक इस पहली इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को लेकर अनेकों कयास लगाने लगे। पहला अनुमान सबका वही था जो सबके जहन में आता है कि ये कोई एस्टेरॉयड हो सकता है। ये एक सिगार के शेप में था और इसे एस्टेरॉयड मानने का एक कारण भी था क्योंकि इसकी कोई टेल नहीं थी जो अक्सर कॉमेट्स के केस में देखने को मिलती है। लेकिन धीरे धीरे जब इसकी और स्टडी की गई तो वैज्ञानिकों को इस एक बात ने पूरी तरह से चौंका कर रख दिया। इसका ऑर्बिट हाइपरबॉलिक था, जिसका मतलब ये था कि हम इसे पहली और आखिरी बार देख रहे थे। ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम को छोड़कर जा रहा था और इसका सबसे बड़ा कारण था इसकी स्पीड। ये 87 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा था और ये स्पीड सोलर सिस्टम के किसी भी एवरेज एस्टेरॉयड या कॉमेट से करीब 3 गुना ज्यादा थी। और यहीं पर आकर वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अलग अलग थियोरीज देना शुरू कर दी, क्योंकि जो स्पीड इस रहस्यमय ऑब्जेक्ट की थी उसे एस्टेरॉयड मानकर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता था। जरूर कुछ न कुछ तो रहस्यमय चल रहा था इस ऑब्जेक्ट पर जो हम समझ नहीं पा रहे थे। आखिर इतनी ज्यादा स्पीड ये कैसे अचीव कर सकता है, क्योंकि हमारे सौरमंडल में होते हुए हमारे सूरज के ग्रेविटेशनल पुल के बावजूद भी इतनी ज्यादा स्पीड अचीव कर लेना ये किसी के भी हलक के नीचे नहीं उतर रहा था। एक दिन ये हमारे सौरमंडल को अलविदा कह देगा। दरअसल हैरानी की बात यहाँ पर इसकी स्पीड ही नहीं थी बल्कि एक्सेलरेटेड स्पीड, यानी कि इसकी गति लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे ये हमसे दूर जा रहा था वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी, और इस वजह से इस नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक बड़ी ही अजीब थ्योरी निकल कर सामने आती है, और वो होती है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स को लेकर। जी हाँ, कुछ वैज्ञानिकों का ये दावा था कि 200 मीटर की ये सिगार शेप की ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं बल्कि एक एलियन स्पेसशिप है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी से चलने वाला एलियन स्पेसशिप जिसे समझना हमारे बस की बात नहीं है। और यहीं से अमुआमुआ को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स और एलियन स्पेसशिप से जोड़कर देखा जाने लगा, और ये रहस्यमय चीज देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गई। वहीं कुछ वैज्ञानिक थे जो अभी भी इसे विज्ञान के फंडामेंटल्स के आधार पर समझना चाहते थे। कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी थे जिन्होंने कई आइडियाज सामने रखे इस रहस्यमय चीज को लेकर, लेकिन या तो वो काल्पनिक थे या फिर हमारी विज्ञान की समझ से कोसों दूर थे। एलियंस वाली थ्योरी को हजम कर पाना काफी मुश्किल था कि अगर कोई सभ्यता हम तक पहुंचना भी चाहती है तो उनकी कोई प्रतिक्रिया हमें क्यों नहीं मिली, वो यहाँ से चुपचाप क्यों जा रही है। और वाकई ये बात सच है कि अमुआमुआ में एलियंस जैसा कुछ भी नहीं है। इतना कुछ होने के बाद वैज्ञानिक इसकी गति के रहस्य को सुलझाने में लगे हुए थे, और वो इसके एस्टेरॉयड होने की थ्योरी को खारिज करते हुए एक और तथ्य सामने रखते हैं जिसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिससे इसकी नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जस्टिफाई किया जा सकता है। तो वैज्ञानिकों ने ये माना कि एस्टेरॉयड ना होकर कोई कॉमेट हो सकता है, क्योंकि जब कॉमेट सूर्य के पास से होकर गुजरता है तो उसमें से वेपर, गैस और डस्ट रिलीज होती है जो कि कॉमेट के लिए किसी थ्रस्टर्स की तरह काम करती है। जैसे ये चीजें कॉमेट से रिलीज होती हैं, उस कॉमेट को एक पुश मिलता है
और उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से अमुअमुआ की बढ़ती स्पीड को कॉमेट से जस्टिफाई तो किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा झोल है, और वो ये है कि कॉमेट्स में अक्सर बहुत बड़ी मात्रा में फ्रोजन वाटर होता है जो कि सूर्य के पास आकर गर्म हो जाता है, और कॉमेट्स में से वाटर वेपर रिलीज होती हैं, डस्ट और अन्य गैसें भी रिलीज होती हुई हमें नॉर्मली दिखाई देती हैं। कॉमेट्स अपने पीछे इन रिलीज होते हुए मटेरियल्स की एक बहुत लंबी टेल छोड़ जाती हैं, लेकिन अमुअमुआ में ऐसी कोई भी टेल हमें देखने को नहीं मिलती। तो ऐसे में इसे कॉमेट कैसे मान लिया जाए? अब अमुअमुआ का ये केस उलझता ही जा रहा था। देखने में वो किसी एस्टेरॉयड की तरह था, लेकिन उसका बिहेवियर किसी कॉमेट की तरह था। तो आखिर इस नई पहेली को कैसे सुलझाया जाए? तभी इस कहानी में एंट्री होती है जेनिफर बर्गनर की, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्होंने इस चीज को समझने के लिए उन आइसी रॉक्स में होने वाली केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना शुरू किया जो कि बहुत ठंडे एनवायरनमेंट जैसे कि स्पेस में घूमती रहती हैं। जेनिफर का मानना है कि अमुअमुआ की इस पहेली की एक्चुअल एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल हो सकती है, और शायद इसलिए हमने उस पर कभी गौर ही नहीं किया है। और वो अप्रोच करती हैं अपने एक कलीग डेरिल सेलिग्मैन को, जो कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में नेशनल साइंस फाउंडेशन पोस्ट डॉक्टरल फेलो हैं, और इन दोनों ने मिलकर इस रहस्यमय ऑब्जेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। जेनिफर और डेरिल का मानना है कि अगर वो ऑब्जेक्ट टेल फॉर्म नहीं कर रहा तो उसका ये रीजन हो सकता है कि उसमें से डस्ट और वाटर वेपर्स रिलीज ही न हो रही हों। हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट पूरी तरह से हाईली वॉलेटाइल मटेरियल्स को ही रिलीज कर रही हो, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने में भी कई थियोरेटिकल इश्यूज थे, जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन को ही लें तो हाइड्रोजन गैस को किसी छोटी अमुअमुआ के साइज की ऑब्जेक्ट में फ्रीज करने के लिए एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर की जरूरत होगी, और वैज्ञानिकों को नहीं लगता कि जहां पर और जिस डेंस मॉलिक्यूलर क्लाउड में ये रहस्यमय ऑब्जेक्ट अमुअमुआ बनी होगी वो क्लाउड इतना ठंडा होगा कि वो हाइड्रोजन को जमा कर इस ऑब्जेक्ट के अंदर पैक कर दे। इसके अलावा अगर नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस की बात करें तो हमारी गैलेक्सी में इन गैसेस की किसी भी जगह पर मात्रा इतनी नहीं है कि हम किसी भी बॉडी को ये एक्सपेक्ट करें कि वो नाइट्रोजन की बनी हुई हो। तो अब ये डिबेट कॉमेट से हटकर आ चुकी थी उस आउटगैसिंग मटेरियल पर जो उस ऑब्जेक्ट से रिलीज हो रहा था, जो उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने के लिए थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा था। न जाने क्यों ज्यादातर वैज्ञानिक हाइड्रोजन को लेकर सहमत थे कि हो ना हो अमुअमुआ में से H2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रही है। इस तरह से अमुअमुआ एक हाइड्रोजन आइसबर्ग साबित हो गया, और कैलकुलेशंस भी ये शो कर रही थी कि अगर इस ऑब्जेक्ट से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे तो वो इसे इतनी अधिक थ्रस्ट प्रोवाइड कर सकती हैं कि ये 87 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सन के ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट ट्रैवल कर सके। तो ये मामला हाइड्रोजन पर जाकर सेटल हो गया, लेकिन सवाल थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अब वैज्ञानिकों के सामने एक और चुनौती थी, और वो ये थी कि अगर अमुअमुआ कोई हाइड्रोजन आइसबर्ग ही है तो इंटरस्टेलर स्पेस में वो कैसे सरवाइव कर गया? वहाँ इसमें से हाइड्रोजन रिलीज क्यों नहीं हुई? क्योंकि इंटरस्टेलर स्पेस का टेम्परेचर इतना भी कम नहीं होता कि वहाँ पर हाइड्रोजन जमी रह सके। जहाँ पर हाइड्रोजन इसकी एक पहेली को सुलझा रही थी, वहीं खुद हाइड्रोजन की प्रेजेंस पर सवाल खड़े होने लगे थे कि आखिर हाइड्रोजन उस ऑब्जेक्ट में इतना लंबा सफर तय करके हमारे सोलर सिस्टम तक पहुंची कैसे? तो यहाँ पर जेनिफर का आइडिया था कि एक कॉमेट जो कि इंटरस्टेलर स्पेस से ट्रेवल करता हुआ हम तक पहुंचता है, रास्ते में वो कॉस्मिक रेडिएशन से एक्सपोज होता है, और हम तो ये जानते ही हैं कि कॉमेट्स में वाटर आइस जमी हुई होती है। ये कॉस्मिक रेडिएशन उस वाटर आइस से रिएक्ट करता है, और उसी रिएक्शन से वाटर आइस के अंदर H2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का निर्माण होता है। लेकिन उनका सवाल ये था कि क्या हम उस हाइड्रोजन को ऐसे ट्रैप कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट पूरा इंटरस्टेलर का रास्ता तय करके जब हमारे सूरज के सामने आए तभी उसमें मौजूद हाइड्रोजन रिलीज हो और उसे थ्रस्ट मिल सके? क्या ऐसा पॉसिबल है, और क्या ये चीज उस नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन कर सकती है? लेकिन सरप्राइजिंगली जेनिफर को कुछ ऐसे सबूत मिल जाते हैं। जेनिफर को 1970, 80 और 90 के दशक के कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स मिलते हैं जहां पर ये डेमोंस्ट्रेट किया गया है कि जब नॉर्मल आइस स्पेस में कॉस्मिक रे जैसे हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल से हिट होती है तो उस आइस में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ट्रैप हो जाती है, और वो ट्रैप इसलिए होती है क्योंकि स्पेस में जो आइस बनती है उसका स्ट्रक्चर एमॉर्फस होता है, और जैसे ही ये हमारे सूर्य के सामने आती है सूर्य की एनर्जी इसमें जमी आइस को एमॉर्फस से क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज कर देती है, जिससे उसमें ट्रैप हाइड्रोजन को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, और उसी से इस ऑब्जेक्ट को एक तगड़ा थ्रस्ट मिलता है।
जेनिफर का ये आइडिया इतना सही है कि अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं कि यही प्रोसेस उस कॉमेट पर हो रही होगी। और ये इतना सिंपल आइडिया था कि किसी के भी दिमाग में नहीं आया। लेकिन इसके सामने आते ही एक और सवाल खड़ा हो गया कि क्या ये वाकई कोई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो कॉमेट्स हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल बाहरी किनारे पर हैं, वहां पर कॉस्मिक रेज अक्सर उन कॉमेट्स को अंदर तक भेद सकती हैं, और यही प्रक्रिया उन कॉमेट्स पर भी हो सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अमुआमुआ कोई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट न होकर हमारे ही सौरमंडल के बाहरी किनारे से आया हुआ कोई कॉमेट हो सकता है। हम जानते हैं कि कॉमेट्स हमें सौरमंडल के इतिहास से रूबरू कराते हैं। हम कॉमेट्स को स्टडी करके अपने सौरमंडल के फॉर्मेशन के बारे में इतना समझ चुके हैं कि कोई भी प्लेनेट हमें उतनी जानकारी नहीं दे सकता। इंटरस्टेलर कॉमेट्स को स्टडी करके हम दूसरे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन को भी समझ पाएंगे, और फिर शायद हम इस सवाल का उत्तर बेहतर तरीके से जान पाएं कि क्या वाकई में एलियंस होते भी हैं या नहीं। दोस्तों, अमुआमुआ की अब तक की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसी एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।